हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग आई होप यू ऑल आर डूइंग सो सेल्फ मुस्कान जैसा कि आप सबको पता है कि ये मेरा इवनिंग ब्लॉग है तो ये ना मेरा स्कूल से आने के बाद है स्कूल से आने के बाद कैसे करती हूँ पढ़ाई अपनी फिलहाल तो मैं स्कूल से आने के बाद वही काम करती हूँ जो मुझे स्कूल से मिला होता है जैसे कि कुछ भी वर्क या नोट्स वगैरह मिले होते हैं आपको पता है इलेवेंथ क्लास सच अ डिफिकल्ट मतलब यार मतलब फ्री रह ही नहीं सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तो नोट्स और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या तो ये सब करना होता है तो मेरे को करना था फिजिकल एजुकेशन का आज हमें फिजिक... मिले तो और सब्जेक्ट में भी बहुत कुछ करने के लिए मिला था जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल मिले थे केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल थे और इंग्लिश का आज पीरियड नहीं था तो उसमें कुछ था नहीं तो फिजिकल एजुकेशन का था तो सर ने बोला था कि दो चैप्टर हैं उनके ना मेरे पूरे नोट्स चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हो आपके नोट्स होंगे नहीं तो आप कुछ पढ़ने वाले नहीं हो तो नोट्स मेरे को दिखाओगे आप कल वरना पनिशमेंट ले लेना तो आज ना मेरे को फुल टाइम यही करना है नोट्स मेरे इसके बने नहीं थे क्योंकि मैं फिजिकल और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही रहती और मौसम का तो पता ही नहीं है कैसा हो रखा था कभी गर्मी तो कभी ठंडी जैसे ही मैंने अपना जैकेट पहना मेरे को गर्मी लगने लग गई तो फिर मेरे को वो उतारनी पड़ी फिर मैंने कहा ठीक है ऐसे ही ठीक है आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं वरना ऐसा ही होता रहेगा टाइम वेस्ट होगा बस Okay. <laughs> आफ्टर डिनर है उसके बाद मम्मा ने चाय बनाई थी तो मैंने चाय भी ले ली थी तो फिर मैं ना वहाँ पे थक गई थी चेयर पे ना मैं थक जाती हूँ जल्दी क्योंकि वहाँ पे ना मतलब पैर एकदम स्ट्रेट रहते हैं तो फिर थक जाती हूँ तो फिर मैं ना अपना नीचे पढ़ाई करने लग गई थी क्योंकि नीचे मेरा सेटअप बना रखा था क्योंकि मैंने बना रखा है पहले क्योंकि मैं पढ़ती हूँ मुझे अगर ज्यादा टाइम पढ़ना होता है तो ऐसा ही होता है यहाँ पे मेरे आई मीन इलेवन मतलब ग्यारह बज चुके हैं रात के तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ क्योंकि वो खत्म ही नहीं होने का नाम ले यार बहुत काम था सच्ची बता रही हूँ लिटरली बहुत था तो मैंने ना वो स्मेल वाली कैंडल जलाई मैंने कहा थोड़ा मन लगा रहेगा मेरा करने में तो वो मैं भी यही कर रही हूँ और तो मैं कह रही थी कि हाँ थक जाती हूँ मैं चेयर पे तो फिर मैं अपनी स्टडी ना फिर नीचे सेटअप कर रखा है मैंने इसी के लिए किया क्योंकि मैं कभी कभी थक जाती हूँ तो फिर मेरे को दिक्कत होती है फिर मैं कहाँ पढ़ू अगर मैं बेड पे बैठ जाऊं तो भाई जो नींद आती है ना टरली मतलब बैठने का मन नहीं करता फिर तो लेट जाओ बस तो फिर मैं बेड पे पढ़ना अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मेरे को बेड पे नींद आने लग जाती है तो मतलब मैं ऑलवेज अवॉइड करती हूँ मतलब रेयरली मैं पढ़ लू कभी तो पढ़ लू वरना मैं बहुत रेयर ही पढ़ती हूँ बेड पे या तो मैं नीचे बैठ के पढ़ूंगी या फिर अपना स्टडी टेबल पे जिस दिन थक जाती हूँ उस दिन मेरे को दिक्कत होती है वरना वैसे तो या फिर मेरे को ज्यादा काम करना होता है मुझे मतलब करना ही करना है और थक रही हूँ मैं तो फिर मैं नीचे बैठ जाती जा तो फिर हाँ मैं यही कर रही थी फिजिकल एजुकेशन में वो वाला चैप्टर है ना एनाटॉमी और टेस्ट एंड मेजरमेंट ये दो चैप्टर करने थे और नोट्स तो इनके भाई भर भर के हैं तो मैंने सोचा आप कर ही लो बाकी देखेंगे बाद तो फिर मैं यही कर रही तो मेरा ये काम तो चल ही रहा था लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया था कि तेरे नोट्स बन जाए तो मेरे को मैसेज कर दियो मतलब उनके फोटोज भेज दियो तो फिर मेरा ये एक चैप्टर हो जाता है तो उसके बाद मैं उसे फोटो क्लिक करके भेज भेज देती हूँ ताकि वो भी कर सके तो मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं उसे फोटो सेंड करूंगी तो यहाँ पे मेरे कुछ वो टॉपिक्स चल रहे थे लास्ट कुछ टॉपिक रह गए थे तो उनको करने के बाद मैं उसे फोटो भेजूंगी तो यहाँ पे मेरे को बार बार अपने पैर ट्रेट करने पड़ रहे थे क्योंकि मैं वहाँ पे भी थक रही थी और काम तो करना ही था बहुत टाइम हो गया था तो मैं उसे फोटो भेज रही थी भेजने के लिए क्लिक करे थे यहाँ पे बारह बज गए हैं मीन समझ सकते हो आप स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने उसके बाद फिफ्टीन मिनट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट का मैंने ब्रेक लिया था वो भी डिनर के लिए तो आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस लिखे हैं और लिटरली बहुत थक गई थी मैं तो फिर मैंने सोचा कि अब, अब मैं बोर हो रही हूँ थोड़ी सी तो फिर इयरफोन्स और मैं कुछ अपने सॉन्ग सुन नहीं थी जिससे कि मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश रहे और वैसे भी ये रिटर्न वर्क था लर्न कुछ अभी करना नहीं था तो मैंने सोचा कि अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत मुझे काम तो करना ही है क्योंकि काम नहीं किया तो भाई सर से जो डांट पड़ने वाली है ना तो यहाँ पे फिर मैं अपना ये करती हूँ और सॉन्ग्स भी सुनती हूँ साथ में जो मेरे थे तो यहाँ पे फिर मेरे को आ रही है नींद अब तो मेरा काम तो अभी हुआ ही नहीं है चलिए सच बोलू तो मेरा भी हुआ नहीं था लेकिन लेकिन मैं थक गई तो फिर टाइम आप दे ही सकते हो ऑलमोस्ट एक बच चुका है मीन्स ऑलमोस्ट तो एक बजने ही वाला है तो फिर सुबह स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी और स्कूल में जो नींद आएगी वो भी दिक्कत देगी तो फिर मैंने सोचा कि अब रख देते हैं तो फिर उसके बाद मैं सोने जाऊंगी अब सीधा आप मैं कुछ नहीं करने वाली तो या आप देखो अब मैंने ये किया है मेरी लास्ट वाले चैप्टर है वो वाला तो मेरा हो ही गया था तो वो मैंने आपको दिखाई दिया है पहले डोंट वरी टेंशन मत लीजिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आधा काम छोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं है कुछ ही टॉपिक रह गए कुछ ही और टाइम तो आप देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट एक बजने वाला और मैं ये सब अपनी नोटबुक्स वगैरह रखूंगी और ये तो फिर मैं अपने ये ताम झाम रखूंगी फिलहाल तो हाँ तो मैं कह रही थी कि जो मैं आराम से सुबह उठ के कर लूंगी जल्दी उठ जाऊंगी क्योंकि मेरे को अभी नींद आ रही है क्योंकि पूरा दिन आप सो सकते हो आठ से चार बजे उसके बाद मैंने ज्यादा रेस्ट भी नहीं करा है फिर सडनली मेरे को ये इतना सारा काम भी करना था तो मैं सुबह उठ के आराम से इसे कर लूंगी उसके बाद स्कूल जाऊंगी तो मैं सेफ हूँ सर की डांट से टर्न पर That's all for today's video. I hope you enjoyed watching this one. If you did, so don't forget to like, share, subscribe the channel. Thanks for watching. Bye bye. See you in the next video.